आर जी एंड कैटरिंग एसोसिएशन कठुआ में हम इस समय सर हमारी स्ट्राइक जो है वो 11 तारीख से स्टार्ट हुई है। हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक हमने अनाउंस किया 1.5 महीने के लिए। इसका कारण ये है कि हमारे मंत्री साहब ने जो है वो 6 महीने पहले भी हमें आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी कानून हमारे लिए नहीं बनाया है और ना ही हमारी सैलरी हाई की है। 10% सैलरी जो हमारी हाई की थी वो भी हमें अक्टूबर से आगे मिलना स्टार्ट हुई है, अभी वो भी हमें अभी तक मिली नहीं है। अभी हम स्ट्राइक जो है वो 11 तारीख से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कर रहे हैं, उसके बाद हम 18 तारीख से हम प्रोविंस लेवल के ऊपर भी जाएंगे। आपके मीडिया के माध्यम से हम सरकार को, अपने मंत्री साहब को ये बताना चाहते हैं जो हमारी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें, वरना हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम अपने कामों पर नहीं जाएंगे। आपके मीडिया के आश्वासन से हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं, अपनी मंत्री साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। जी मैम, आज आपने धरना यहाँ चल रहा है आपका, तो क्या इसके पीछे क्या वजह है कि आपको धरने पे आना पड़ा? इस धरने में ये है कि हमारी जॉब पॉलिसी फ्रेम नहीं करी है इन्होंने, तो जॉब पॉलिसी के लिए धरने पे बैठे हुए हैं हम। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसको बेनिफिट जो मिल रहे हैं वो बेनिफिट हमारे लिए हमारे पास नहीं है, इसके लिए हम धरने पे बैठे हुए हैं। कितने वर्षों से आप इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? मुझे 3 साल हो गए। किस तरह की जॉब पॉलिसीज आप चाहते हैं? कुछ मेरे जो सीनियर हैं वो 10-11 साल हो गए उनको लगे हुए, तो उनका कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है, और कुछ ओवर एज भी हो गए हैं जिनको अभी आगे कोई भी जॉब नहीं मिल सकती, जब कुछ कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता आगे, तो इसीलिए हम धरने पर बैठे हुए हैं। की जॉब पॉलिसीज आपको लगता है कि होनी चाहिए आपके लिए? हम यही चाहते हैं कि हम जो है परमानेंट हों, हमारा फ्यूचर हो। ऐसे तो हम काम कर रहे हैं पूरा, जैसे परमानेंट इम्प्लाइज काम कर रहे हैं हम भी वैसा कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन हमें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, अदरवाइज़ कि हम 5-6 या 7 हज़ार से आजकल क्या बनता है, एक फैमिली नहीं चल पाती है। तो अगर हम पूरा काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि हमारे बारे में भी सोचे कि हम पूरी तन मन धन से पूरा काम कर रहे हैं और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो इसलिए आज हमें इन सड़कों पर आना पड़ा, क्योंकि हम अपना फ्यूचर चाहते हैं। अगर हम सरकार के लिए पूरा पूरा काम कर रहे हैं, पूरी अगर इतना नंबर 1 पे आ रहा है हर चीज़, तो हमारा भी योगदान है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं उनके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए और हमें जॉब पॉलिसी दी जाए। हमारी और कोई डिमांड नहीं है, हम यही चाहते हैं कि हमें एक जॉब पॉलिसी मिल जाए जिससे हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके और हम भी समझे कुछ कि हमारा भी कुछ है। पगार समय समय पर मिलती है आपको? वो भी नहीं मिलती है, 5-6 महीने हो जाते हैं, कोई टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, नहीं आगे और नहीं पीछे, कुछ भी नहीं है।